हज के लिए बुनियादी बातें या बुनियादी चीज़ें बता दें जिससे हमारी हज बेहतर से बेहतरीन हो जाए। देखिए, हज के लिए चंद चीज़ें जो कि बुनियादी हैं वो ज़रूरी है, उनको जान लें। पहली बात तो ये है कि हज के हवाले से अपनी नीयत दुरुस्त कर लें। इसी तरह से रियाकारी के बजाय सिर्फ अल्लाह सुबहाना व ताला को राज़ी करने का जज्बा हो। नंबर दो, अगर किसी का लेना देना हो तो मामला साफ कर लें, वसीयत तहरीर करके रवाना हो। नंबर तीन, किसी पर जुल्म किया हो यानी हक तलफी की हो तो हक की अदायगी और उससे माफी तलाफी कर ले। इसी तरह से नंबर चार, किसी से नाराजगी हो या कता रहमी हो तो दिल साफ करके सिला रहमी उनसे कर ले। इसी तरह से नंबर पाँच, सगीरा और कबीरा यानी जाहिरी और बातनी हर किस्म के गुनाहों से सच्ची तौबा करके रवाना हो। इसी तरह से नंबर छः, माँ बाप को खुश करके और उनसे दुआओं की दरख्वास्त करके रवाना हो। नंबर सात, बीवी बच्चों को मुतमईन करके और उनके लिए मुनासिब दान नफ़ा बंदोबस्त करके रवाना हो। इसी तरह से नंबर आठ, नेक लोगों को रफीक सफ़र मुंतखब करें और अपने में से समझदार शख्स को अमीर सफ़र के लिए तय कर लें। नंबर नौ, हज का ज़रूरी साजो सामान और इसी तरह से ज़ादेरा साथ लेकर रवाना हो। नंबर दस, हज की बुनियादी अहकाम और ज़रूरी मसाइल सीख लें और उसके बाद रवाना हो। ये चंद चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। इस वीडियो को देखें और कोशिश करें इस वीडियो को शेयर करें। जो हमारे भाई हज के लिए रवाना हो गए हैं या हो रहे हैं, उन सब के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन।